आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम अमेज़ोन में किसी भी तरीके के शूज़ की लिस्टिंग करते हैं तो उसमें एक दो नई फील्ड्स ऐड हो गई हैं, दो नए कॉलम ऐड हो गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। मतलब बहुत से देशों में पहले हो गए थे और कहीं कहीं नहीं हुए थे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो कॉलम्स जो होते हैं, शू साइज़ क्लास और शू साइज़, इनको कैसे बढ़ा जाता है। देखिए, जब भी आपको ये आप फुटवेयर की लिस्टिंग करेंगे तो आपको दो कंपलसरी फील्ड्स मिलेंगी, स्टार वाली। आपको ये दोनों फील्ड्स भरना ज़रूरी है, नहीं तो आपके जूते की लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब जब भी आपको शू साइज़ चुनना हो तो उससे पहले आपको चुनना होता है शू साइज़ क्लास। अब शू साइज़ क्लास में आपको इतने सारे 6 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक रेंज, एल्फ़ा, एल्फ़ा रेंज, एज और एज रेंज। ठीक है, तब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे तीन ही फील्ड सिर्फ काम की, एक न्यूमेरिक, एक एल्फा और एक एज। क्योंकि न्यूमेरिक रेंज में ऐसे ये तब होता है जब आपका जूता किसी नंबर से लेके किसी नंबर वाले इंसान के तक के लिए हो, मतलब 6 नंबर से लेके 7 नंबर तक के इंसान को आता हो, या 10 नंबर से लेके 12 नंबर तक के इंसान को आता हो। सेम एल्फ़ा में भी ऐसा है कि मीडियम टू लार्ज तक को आएगा, या लार्ज टू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक को आएगा। सेम एज रेंज में भी ऐसा है। तो ऐसे तो शूज़ की नॉर्मली साइजेस नहीं होते हैं, लेकिन शूज़ के साइजेस होते हैं न्यूमेरिक, एल्फ़ा या एज में। तो आज हम ये सीखेंगे। देखिए, अगर आपको अपना शू का साइज़ नंबर्स में लिखना है, मतलब कि 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चुनता हूँ 9 नंबर शू साइज़, तो हमें शू साइज़ क्लास में चुनना होगा न्यूमेरिक। ठीक है, अगर आपको अपना शूज़ एल्फ़ा में लिखना है, मतलब कि साइज़ अगर आपको इसका शूज़ का एल्फ़ा में लिखना है, मतलब कि आपको लिखना है मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, फॉर एग्जांपल मीडियम साइज़ का, तो हम शू साइज़ क्लास में चुनेंगे एल्फ़ा। और अगर आपका शू साइज़ आपको एज में लिखना है तो हम इसमें चुनेंगे कितने इयर्स के इंसान के लिए है ये आमतौर पे बच्चों के शूज़ में होता है, ये 18 मंथ्स तक के इंसान के लिए, 12 मंथ्स तक के, 4 साल के, 5 साल के, तो हम चुन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ चुनेंगे एज। तो इस हिसाब से शूज़ के साइज़ क्लास और शूज़ साइज़ हम चुन सकते हैं। ठीक है, और भी अमेज़ोन से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो उस पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।